विजय वडेट्टीवार ने ओबीसी समाज का एम्पिरिकल डाटा जमा करने की पद्धति को ही गलत बताते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बाठिया आयोग के माध्यम से सरनेम के आधार पर ओबीसी समाज का एम्पिरिकल डाटा जमा करने की पद्धति गलत है। उन्होंने कहा कि शिंदे सरनेम अभी समाज में है, जिसमें कौन सा शिंदे ओबीसी और कौन सा मराठा है ये कैसे निश्चित किया जाएगा। उन्होंने इसमें सुधार करने का निर्देश दिया, साथ ही चेतावनी भी दी कि ओबीसी समाज का नुकसान हुआ है तो वह सहन नहीं किया जाएगा। वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वडेट्टीवार की इस जानकारी से नया विवाद खड़ा हो सकता है। न्यायालय में ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा सादर करने के लिए उनके निर्देश पर राज्य सरकार ने बाठिया आयोग गठित किया है। स्थानीय निकाय चुनाव के पहले ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए आयोग तेजी से अपना काम कर रहा है। ऐसे में वडेट्टीवार द्वारा ही आयोग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाया गया है। कारण सैंपल डाटा गोळा करत असताना गावातील पहिल्यांदा आडनावाची माहिती गोळा केली गेली आणि एका आडनावाची माणसं एका जातीची असू शकत नाही। महाराष्ट्रामध्ये उदाहरणार्थ जर शिंदे आडनावाची माणसं आहेत तर त्यांना मराठा म्हणून तुम्ही समजाल, पण शिंद्यामध्ये शिंदे समाजामध्ये एनटीमध्ये पण शिंदे आडनाव आहेत। तुम्ही आडनावावरून जर हे आपण ठरवायला लावलो की हे आडनावाचा माणूस हा मराठा जाधव, महाराष्ट्रभर जाधव सरनेम आहे, असे अनेक सरनेम आहेत की ज्यातून आपण सॅम्पल सर्वेच्या माध्यमातून मोठा समाजच आहे असं गृहीत धरून जर करायला लागलो तर मला वाटतं त्यातून ओबीसीचे एकूण असलेली संख्या ही कदाचित कमी जास्त होऊ शकेल। प्रत्येक ग्रामपंचायत किंवा गाव पाहिलं तर शाळांचे शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी असं धरलं तरी 7-8 लोक आपल्या एका गावामध्ये सहज मिळतील। आणि त्यांनी जर एक गाव 600-500 घरांचा आहे, 3-4 दिवसामध्ये आपण सगळ्या फॅक्ट्स आपल्या लक्षापुढे येऊ शकतील, वास्तविकता लक्षापुढे येऊ शकतील।